आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। हजारों हजार नागरिक व्यापारी जो है बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। जीएसटी के नाम पर हमको तबाह कर दिया गया, व्यापारी कहीं का नहीं बचा। में हमको सब कुछ मिलता था, कोई भी हमें दिक्कत नहीं थी, उनकी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी, हमको कोई परेशान भी नहीं करता था। तो आप परेशानी है क्या आपको? नहीं, अब तो परेशान है। क्या परेशानी है? किसी के खिलाफ बोल नहीं सकते। उन्हें देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 50 दिनों में आपका काला धन आ जाएगा, मुझको 50 दिन दे दीजिए। लोगों ने 50 दिन दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मीडिया के, क्या 50 दिन में काला धन आया? हवाई चप्पल का वादा करने की, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा, आज पता कर लीजिए, जो चप्पल में जो टैक्स नहीं लगता था, वो आज जो है चप्पल, हवाई चप्पल भी पहनना दूभर हो गया है। इस सरकार ने, माननीय योगी जी की सरकार ने पिछले 5 सालों में व्यापारियों को जो स्वस्थ माहौल दिया है, भय मुक्त माहौल दिया है, वो कोई भी सरकार नहीं दे पाई है। इसलिए सभी व्यापारी हम लोग भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक की टीम। इस वक्त आप पहुंची है बांदा। यहाँ एक वैश्य समाज अपनी एक निर्णायक भूमिका निभाता है। मेरे साथ कुछ यहाँ के व्यापारी, वैश्य समाज के लोग मौजूद हैं। आइए मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि इस बार के चुनाव में ये लोग किसका समर्थन, किसको वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? रमेश। तो क्या करते हैं आप? मैं सराफा व्यवसायी हूँ। अच्छा, तो इस बार आप किसको वोट करेंगे? देखिए, हम लोग मुद्दों पर वोट करेंगे। पिछले इस सरकार में, वर्तमान जो सरकार, कोरोना के बहाने हजारों हजार नागरिक व्यापारी जो है बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। जीएसटी के नाम पर हमको तबाह कर दिया गया, व्यापारी कहीं का नहीं बचा। इस और इसके अलावा कोरोना काल में जब चारों तरफ बाजारें बंद थी, उस समय बिजली के बिल लिए गए, उस समय ना तो किसी तरह की ब्याज माफ़ की गई, और व्यापारियों का उत्पीड़न लगातार होता रहा। जब आमदनी नहीं होगी व्यापारी की, तो पैसा कहाँ से दे पाएगा? अपना घर तो चलाना मुश्किल है। छोटे छोटे तमाम व्यापारी हमारे पड़ोस में हैं, वो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, दिल्ली पंजाब कमाने जाने लगे। ये सरकार सोने जाने की, इसमें टैक्स ज़्यादा बढ़ गया है। अरे भैया, जीएसटी में हम लोग परेशान, तमाम छोटे छोटे सराफा व्यवसायी जो कारीगर थे, वो काम बंद कर दिए। पहले नहीं लगता था ऐसा? पहले बहुत आसानी से हम लोगों को, 2007 में जब बहन जी की सरकार में, इसके बाद, उसके पहले हम लोग जो है कानून व्यवस्था के नाम पर परेशान थे। 5-5 बजे बाजारें बंद हो जाती, गुंडे और बदमाश इस तरह परेशान किए थे। लेकिन जब बहन जी की सरकार आई, तब हम लोग जो है, कम से कम हमें 9-9 बजे तक हम लोगों के बाजारें, बड़ी बड़ी दुकानें खुली गई थी। उस समय के लोग हम लोग याद कर रहे हैं आज। क्या नाम है आपका? तो इस बार क्या करते हैं आप, पहले ये बताइए। दवा का भी काम करता हूँ और मैकेनिक। क्या बनाते हैं? मतलब मैं नहीं बनाता हूँ, घर में हमारी दुकान है। आप क्यों नहीं बनाते? ज्ञान नहीं इसका, मुझे दवा का ज्ञान है, दवा वाला काम करता हूँ। दवा का काम करते हैं। इस बार किसको वोट करेंगे? बीएसपी। क्यों? कानून व्यवस्था मुझे बहुत अच्छी लगती है। कानून व्यवस्था तो क्या भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था दी है। ज़्यादा कोई व्यवस्था की नहीं थी। ये भाजपा वाले दावे तो कर रहे हैं ना? दावे तो सब कुछ करता है, सपा भी करती है। अरे व्यापारी कहते हैं कि हम लोग तो माफियाओं को जेल में डाले हैं। माफियाओं को तो जेल में बहन जी ने डाला है। किसको डाल दिया? अच्छा, व्यापारी आपको क्या फ़ायदा नुकसान है भाजपा या सपा से? हमको नुकसान तो देखिए सबका है। बीएसपी में आपको व्यापारी के तौर पे क्या फ़ायदा होता है? बीएसपी में हमको सब कुछ मिलता था, कोई भी हमें दिक्कत नहीं थी, उनकी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी, हमको कोई परेशान भी नहीं करता था। तो आप परेशानी है क्या आपको? नहीं, अब तो परेशान है। क्या परेशानी है? किसी के खिलाफ बोल नहीं सकते, बोलोगे जेल में डाल दिया जाओगे। अगर कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ, तो किसके खिलाफ हम बोल पाए? बहुत समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? राम। क्या करते हैं आप? सैनी बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर की दुकान जी। तो इस बार किसको वोट करेंगे आप? बीजेपी। क्यों? मुद्दा ये है कि मैं छोटे से गांव का रहने वाला, मेरे गांव में कई वर्ष पहले जब मैं छोटा था, तब मेरे कई गांव में एक भी लाइट की समस्या, एक भी गांव में लाइट नहीं थी। आज मेरे गांव में जाके, जहाँ लाइट की एक भी समस्या नहीं थी, कई जगह जगह गांव के कई जो है पुराओं तक लाइट की सारी व्यवस्थाएं संपन्न है। तो व्यापारी तौर पर क्या भाजपा का फायदा है? व्यापारी तौर में भाजपा का तौर में मेरा कोई व्यापार ऐसा भाजपा से जुड़ा ही नहीं है। मैं सिर्फ एक भाजपा से मैं वोट ही डालना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ लाइट की, मैं अपने छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ, उसमें मेरे गाँव में
कहीं लाइट की व्यवस्थाएं एक भी नहीं थी, जाकि कई गांव में, मेरे गांव में हर जगह लाइट की समस्या है। पहले कैसे होता था, जब लाइट नहीं होती तो कैसे पढ़ाई कैसे थी? कई गांव से जा करके जो है लाइट डिब्बियों में तेल जला करके कई सारी समस्याओं का से करके हम किसी तरह से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, मगर इस बार ऐसा कोई समस्या नहीं जो कि हर घर में लाइट की समस्या इस समय उपलब्ध है। जो मैं एक गांव का रहने वाला हूं, व्यापार मेरा तर्रा में है, मैं जब छोटा था तब जा करके मैं वहां देखता था कि इस तरह की समस्याएं हैं, आज जो है पूरी समस्या है गांव में हर जगह। देखिए यहां पर दो से तीन व्यापारी कह रहे हैं कि हम बसपा को वोट करेंगे, हम उनकी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी लगती थी, फिर भी और भी मेरे साथ व्यापारी कुछ मौजूद है, आइए मैं कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशिकांत गुप्ता राजन। अच्छा, क्या करते हैं आप? भाई जो फ्राइड का काम करता हूँ। ये क्या होता है? भाई और फ्राइड बच्चों का कुरकुरा होता है, बच्चों वाला काम। तो इस बार 2022 में किसको वोट करेंगे आप? आज 2022 में सरकार की नीतियों और उनके जो है कार्यशैलियों को देख कर मैं भारतीय जनता पार्टी वोट करूँगा। क्यों, क्या कर, कौन सी ऐसी नीति है कि जो आपको प्रभावित कर गई? हमारे यहाँ जो है शाम को महिलाएं जब मार्केट की ओर जाती हैं तो पहले जो उनको डर सर भरे होता था, अब जो है जिस दिन से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो किसी प्रकार का गुंडा राज और कानून। आपको व्यापारिक तौर पे क्या फायदा नुकसान है भाजपा से, या मान लीजिए सपा की बनी तो क्या नुकसान होगा? नहीं जो हमारा कोई नुकसान है, 12.5% का हमारा टैक्स लगता है, हम जो टैक्स से माल मंगाते हैं पेट का। पहले नहीं लगता था? नहीं जो पहले भी लगता था, अभी भी लग रहा है, उतना ही लग रहा है, बढ़ा रहा। अच्छा, क्या नाम है आपका? कुछ मेरा नाम जगदीश कुमार की गुप्ता है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं रेडीमेड दरवाजों का और फोटोकॉपी और स्टूडियो का भी काम। अच्छा, स्टूडियो भी दुकान। अच्छा, इस बार आप किसको समर्थन करेंगे? इस बार मैं कांग्रेस को समर्थन करना चाहता हूँ। क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जब से यह सरकार भाजपा आई है तब से व्यापारी बर्बाद हो गया है, परेशान हो गया है, चाहे छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी। इसलिए क्योंकि सबसे प्रथम तो नोटबंदी की गई, नोटबंदी में आप लोगों ने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 50 दिनों में आपका काला धन आ जाएगा, मुझको 50 दिन दे दीजिए। लोगों ने 50 दिन दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मीडिया के, क्या 50 दिन में काला धन आया? लोग लाइन में लगे रहे, उससे व्यापारी क्या नुकसान फायदा रहा? व्यापारी का व्यापार बंद रहा। व्यापारी ये बताइए, जब किसी के पास नोट नहीं होगा तो व्यापार कहाँ से होगा? कोरोना काल में तो सभी लोग परेशान। कोरोना काल में तो ये कंडीशन रही कि आपने देखा कि कोरोना का नाम लगा के कुल मिला के सारा का सारा छोटा व्यापारी हो चाहे माने बाहर जितना भी रहता रहा है, घर द्वार छोड़ के उनको रोटी भी खाने को नहीं मिली है, यहाँ तक कि बासी रोटी खा कर उन्होंने जीवन मैंने व्यतीत किया है। मैंने एक व्यापारी और तमाम मेरे कुछ चाहने वाले लोगों ने मुझसे बताया, मैंने कहा यार तुम दिल्ली से और यहाँ से तुम आए कैसे? उन्होंने कहा कि विक्की भैया जिस तरह से हम लोग आए हैं ये हमारा दिल जानता है। उन्होंने कहा तो कि एक बोतल में चना और एक बोतल में पानी, चना भर कर लेकर आए, पानी में उबला पानी पी पी कर यहाँ तक हम लोग पैदल आए हैं। उनके कष्ट को अब सरकार ने तो बसें लगाई हुई थी ना? सरकार ने कहा बस लगाएं, बसें लगाई प्रियंका गांधी ने, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि कुल मिला के फलाने नंबर ढिकाने नंबर। अरे हमको ये बताइए, गैस की भी व्यवस्था की कांग्रेस ने की, बस की व्यवस्थाएं की कांग्रेस ने की, आप तो मीडिया के कर्मचारी हैं, आप तो हमसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, इन्होंने कौन सी ना ट्रेनें भी ना ट्रेनों में भी इन्होंने दुनिया के नियम लगा रखे थे। जो कुल मिला के व्यापारिक तौर पे आपको क्या नुकसान फायदा? व्यापारी के तौर में आप कमाल करते हैं, जीएसटी जिस तरह से लोग बाग भर रहे हैं, व्यापारी तो व्यापारी परेशान ही है, लोग बाग जो माने उसके खरीदार हैं वो परेशान है, विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि ये टैक्स है तो। अरे व्यापारी भाई ये मेरी बात समझ लीजिए, हवाई चप्पल का वादा करने की हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा, आज पता कर लीजिए जो चप्पल में जो टैक्स नहीं लगता था वो आज जो है चप्पल हवाई चप्पल भी पहनना दूभर हो गया है। इसलिए मैं कांग्रेस का समर्थन करूँगा। क्या नाम है आपका? आयुष। क्या करते हैं आप? मेरा बिल्डिंग मटेरियल का और ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस है। एजुकेशन क्या है? बीएससी। इस बार किसका समर्थन करेंगे आपके नाम? इस बार हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देखते हुए प्रगतिशील सरकार भाजपा के बनाने के लिए उसको भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे। मैं सोच रहा था प्रगतिशील समाजवादी, प्रगतिशील भारतीय जनता पार्टी जो प्रगति कर रही है इसलिए मैंने उसके साथ प्रगति का शब्द जोड़ा। ट्रांसपोर्टर तो बता रहे हैं बहुत परेशान है कांग्रेस वाले।
ट्रांसपोर्टर परेशान नहीं है। देखिए, किसी भी व्यापार के लिए सबसे पहले व्यापारी चाहता है कि स्वस्थ माहौल बने, सुरक्षित माहौल बने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उपलब्ध करवाया। इसके पहले किसी भी सरकार में, चाहे वो बसपा की रही हो, चाहे वो सपा की रही हो, गुंडागर्दी छोड़, भ्रष्टाचार छोड़, कुछ नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय योगी जी की सरकार ने पिछले 5 सालों में व्यापारियों को जो स्वस्थ माहौल दिया है, भय मुक्त माहौल दिया है, वो कोई भी सरकार नहीं दे पाई है। इसलिए सभी व्यापारी हम लोग भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे। वो उनकी मानसिकता हो सकती है, इससे हमको मतलब नहीं है। हमको जो लग रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय योगी जी की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में माहौल दिया है व्यापारी को व्यापार करने के लिए, व्यापारी का काम व्यापार करना होता है, राजनीति करना नहीं होता। चलिए चलिए, क्या नाम है आपका? नवनीत। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक का व्यापार। अच्छा, इस बार ये बताइए कि वैसा समाज के लोग किस तरफ अपना रुझान किए? आप वैसा समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं? तो बगल में तो ये कई सारे लोग हैं, तो BSP कांग्रेस को कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ये सब? देखिए, जो 5 लोग 6 लोग रहते हैं और पूरा वैश्य समाज हमारा भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। अच्छा, हम यहाँ वैश्य मोहल्ले में खड़े हैं, ये आपको वैश्य मोहल्ला किस पर इस बार 2022 में समर्थन करेगा? वैश्य समाज सुरक्षा को लेकर और व्यापारियों का सरकार की नीतियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है, क्योंकि सरकार की नीतियाँ बहुत अच्छी हैं। अच्छा, आपका काम क्या है? मैं इलेक्ट्रॉनिक का व्यापार करता हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक में आपको क्या भाजपा से क्या फ़ायदा नुकसान है? तो मुझको भाजपा से इलेक्ट्रॉनिक तो मैं व्यापार करता हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक में सामान जब लाता हूँ तब यहाँ बेचता हूँ। मुझको भारतीय जनता पार्टी ने, उस सरकार ने नीतियों, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा था, मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़ रुपये का बजट दिया था व्यापारियों के लिए, और मिला, मुझको लाभ मिला। क्या लाभ मिला था आपको? मुझको लाभ दिया, बैंक ने 4 लाख रुपये उसको दिया लोन व्यापार करने के लिए, स्टार्टअप इंडिया को लेकर। करना पड़ेगा नहीं, वापस करना पड़ेगा उसके लिए नीति, और 1 साल आपको, 3 साल आपको ब्याज नहीं देना है, इसके बाद आपको ब्याज देना है। इससे अच्छी सरकार कहीं नहीं है, बताइए। टैक्स में क्या है? टैक्स देखिए, पिछली सरकारों में कई बट बट के लगता था, लेकिन इस सरकार में एक टैक्स है, एक टैक्स को लेकर सरकार ने किया है। तो GST जो लगती है वो एक लगती है, जैसे किसी को 12 लगती है तो 12 लगती है, किसी को 18 लगती है 18 लगती है। अभी सरकार में किसी को 9, किसी को 7, किसी को 8 लगती थी, इस सरकार में एक टैक्स कर दिया।